करनाल के जिला सचिवालय में बन रही चार दीवारी को लेकर आज सोमवार को कुछ वकीलों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। समाचार एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कुछ वकीलों ने दीवार की नींव पर लगाई जा रही ईंटों के घटिया होने का आरोप ठेकेदार पर लगाया है। हालांकि उस वक्त तक जवाब देने के लिए ठेकेदार मौजूद नहीं था। वकीलों ने आरोप लगाया कि यदि किसी इमारत की नींव ही कमजोर होगी तो इमारत मजबूत कैसे होगी। यही हाल इसी दीवार का है, जहां पर नींव तो कमजोर लगाई जा रही है लेकिन ऊपर जो सीमेंट के बॉक्स लगाए जा रहे हैं वह काफी मजबूत हैं। ठेकेदार पर धांधलीबाजी का आरोप लगाते हुए वकीलों ने कहा कि जो ईंटें लगाई जा रही हैं वह बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इनके ऊपर दीवारें खड़ी करना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय नींव कमजोर हो सकती है और दीवारें ढह सकती हैं, ऐसे में जान माल के नुकसान की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए या तो इस दीवार का पक्की ईंटों के साथ दोबारा से निर्माण होना चाहिए, अन्यथा ठेकेदार के खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। इस दौरान मौके पर दीवार निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों के अलावा कोई भी ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं था जिससे इस सामग्री के बारे में बातचीत की जा सके। करनाल से प्रीति काद्यान की रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति काद्यान। करनाल के लघु सचिवालय में हम मौजूद हैं। यहां पर दीवार बनाने के लिए बिल्कुल सस्ती से सस्ती ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, ये जानकारी हमें इन वकीलों ने दी है। इन वकीलों से पूछेंगे, सर क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है, ये मेरी नहीं है, ये सबकी समस्या है। इसमें सबका पैसा लग रहा है, हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से ये सारी दीवारें बन रही हैं, सारा ये बन रहा है। जो मैंने आके देखा अभी कि भाई ये इसमें बिल्कुल थर्ड क्लास फोर्थ क्लास ईंटें लग रही हैं। कितने दिन ये दीवार यहाँ टिकेगी या रहेगी या ख़त्म होएगी? ये पैसा सारा बेकार चला जाएगा। ठेकेदार से मैंने बात करी, वो कहता है जी इसके ऊपर प्लस्तर हो जाएगा, तराई हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मैंने आप लोगों को कष्ट दिया कि आओ आप ये, ताकि ये मुद्दा उठे और ये इसका दीवार का ना कल्याण हो, ताकि जो पैसा यूज़ हो रहा है उसका सही इस्तेमाल हो। बस आपने कहीं ऑफिस में शिकायत की? मैंने नहीं की किसी को अभी शिकायत। हाँ, मैंने तो सबसे पहले आपको अप्रोच किया, शिकायत कोई सुनेगा नहीं, शिकायत करूँगा 15 दिन लग जाएंगे, तब तक इस पर प्लस्तर हो जाएगा। सर शिकायत वाली तो बात है, किसी ना किसी ऑफिसर की इसके ऊपर ड्यूटी लगी हुई है चेकिंग के लिए, कोई जेई होगा एसडी होगा, वो किस नाम की ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी आगे देखना चाहिए। आम लोगों को तो है ही है, सभी को दिक्कत, उनको भी देखना चाहिए मौके पे। तो हम भी चाहेंगे कि कोई मौके का एसडीओ या जेई आए जिसके देखरेख में काम चल रहा है, बताए कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या वो अपने घर में भी ऐसी ईंटें लगाते हैं क्या? नींव पक्की होनी चाहिए, नींव इसकी कच्ची है, ऊपर तो बड़े अच्छे ब्लॉक लगा रहे हैं सीमेंट के लेकिन नीचे बिल्कुल ही घटिया रद्दी, जैसे मेरे को फरी में भी नहीं लगाएगा। सरकारी बिल्डिंग है तो सभी की जान माल का यहाँ नुकसान हो सकता है, लोग यहाँ डेली 2-4 हज़ार आदमी आते हैं, तो ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए यहाँ, तो इसको पहले ही रोकना चाहिए। ये जो ईंटा है इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगी, ये शोरा छोड़ती है, इसके बाहर ना शोरा निकलता रहेगा और वो जो ईंट दीवार है बिल्कुल बोधी हो जाएगी नीचे से और गिर सकती है बहुत, इससे घटिया कोई ईंट आती नहीं, इसलिए इसको अव्वल ईंट लगा के बनानी चाहिए। जब कोई फ़ायदा है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो इसलिए इसको ठीक करके बनाना चाहिए, ईंट नहीं यूज़ होनी चाहिए। मैम, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगा दिए पब्लिक पर खूब अच्छी तरह, बट ये जो बार बार एक ही चीज़ को बनाते हैं, उखाड़ते हैं, बनाते हैं और घटिया माल लगाया जाता है ठेकेदारों के द्वारा, टेंडर बार बार छूट रहे हैं, वो हमारा ही पैसा जो एज हाउस टैक्स के तौर पर ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और जब कमेटी का जो खजाना है उसकी कंप्लेंट ये कहते हैं जी 2 अरब रुपया था और आज उसमें सिर्फ 2-4 करोड़ रह गए हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? पहले ही बेटर ये है कि ये अगर ईंट, ये नींव भरी जा रही है कच्ची ईंटों की, जब नींव ही कच्ची है ऊपर क्या रहेगा, ये तो किसी भी दिन बैठ जाएगी क्योंकि नेचुरल है, नीचे तो मिट्टी ही है, दब धंस जाएगी ये चीज़, और उसके बाद फिर टेंडर छोड़ देंगे, पैसा किसका यूज़ होगा? पब्लिक का। बेटर ये है कि या तो ठेकेदार के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए या चेकिंग हो, प्रॉपर चेकिंग करके इसे ठीक करवाया जाए। ऊपर मटेरियल ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट नीचे मटेरियल जो नींव है, बेस है, वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के ईंट से लगाया जा रहा है।
तो ये आप भी दे सकते हैं कि किस तरह की ईंटें इसमें इस्तेमाल की जा रही है। सभी वकीलों का जो है कहना है कि कच्ची से नींव के लिए, मजबूत नींव के लिए ऐसी ईंटों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कच्ची से कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने ठेकेदार से भी इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इनका कहना है कि अगर ये किसी बड़े ऑफिसर के पास शिकायत करते भी हैं तो वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति कादियान, नमस्कार। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.